बड़ी खबर के साथ करेंगे जयपुर के हरमाड़ा से बड़ी खबर। पुलिस कांस्टेबल ने फंदा लगाकर की खुदकुशी। सीकर रोड पर राजावास में परिवार समेत रहता था कांस्टेबल। मामले की सूचना पर हरमाड़ा पुलिस सब मौके पर पहुंची है। मृतक की मंगलचंद सैनी के रूप में पहचान हुई है। बनी पार्क पुलिस थाने में ड्यूटी बताई जा रही है मृतक की। पुलिस कांस्टेबल 3 सितंबर को उसकी पुत्री की सगाई होनी थी और सगाई में कांस्टेबल को छुट्टी नहीं मिलने की बात सामने आई है। तो इस तरीके का मामला है कि कांस्टेबल ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी की। और लगाया जा रहा है कि पुलिस कांस्टेबल को छुट्टी नहीं मिली थी, बेटी की सगाई होनी है और दबाव में था कहीं ना कहीं पुलिस कांस्टेबल, जिसकी वजह से उसने सुसाइड किया। हमारे सहयोगी दिनेश कुमावत फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या वजह सामने आ रही है पुलिस कांस्टेबल के सुसाइड करने की? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा। हरमाड़ा थाना इलाके में राजावास के पास पुलिस कांस्टेबल ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मामले की सूचना मिलने पर हरमाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जी जी दिनेश, ऐसे में परिवार का क्या आरोप है, परिवार क्या कह रहा है पुलिस कांस्टेबल के सुसाइड के बाद? परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक कांस्टेबल देर रात को ही ड्यूटी से फ्री होकर आया था। 3 सितंबर को कांस्टेबल की पुत्री की शादी होने की बात बताई जा रही है। शादी में अवकाश नहीं मिलने के कारण अवसाद में होने की बात भी सामने आई है। फिलहाल हरमाड़ा पुलिस मौके जी पर पहुंची है। पुलिस, शुक्रिया आपका दिनेश तमाम जानकारियों के लिए। तो अभी फिलहाल अब पुलिस इस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट के ही एक व्यक्ति ने, पुलिस कांस्टेबल ने अपनी जान दे दी है। कारण क्या क्या है? हालांकि कारण अभी प्रथम दृष्टया बता रहे हैं कि बेटी की सगाई थी, छुट्टी नहीं मिली और दबाव में था कहीं ना कहीं पुलिस कांस्टेबल।